हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ सूजी और गेहूं के आटे का हेल्दी इंस्टेंट पिज्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप घर पे बनाकर बहुत ही आसानी से खा सकते हो। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कटोरी गेहूँ का आटा ले लेना है। एक कटोरी गेहूँ के आटे में आधी कटोरी सूजी ले लेनी है। सूजी आपको बारीक वाली लेनी है। इसके बाद इसमें आधी चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर आपको आधी चम्मच डालनी है और एक चुटकी बेकिंग सोडा डालनी है, जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। इसे डालने के बाद एक चम्मच चीनी डालेंगे, जिससे कि आपके पिज्ज़ा बेस में बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। अब हम लेंगे यहाँ पर आधी कटोरी दही। दही आपकी खट्टी होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इन सभी चीज़ों को डाल करके अच्छी तरीके से सूजी और आटे के साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। आटे को आप बिल्कुल भी हार्ड हाथ से नहीं गूथेंगे, एकदम हल्के हल्के हाथों से गूथेंगे। जैसे ही आटा आपका गूथ जाएगा, हम सबसे पहले किचन काउंटर को अच्छे से साफ कर लेंगे और इसके ऊपर आधी चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद आपको गुथे हुए आटे को इसके ऊपर रख करके अच्छी तरीके से मसल मसल के 3 से 4 मिनट तक अच्छे से गुथ लेना है और इसे चिकना कर लेना है। यहाँ पर हमारा आटा गुथ कर तैयार है। अब इस आटे को हमें रेस्ट देना है, तो लगभग 1 से 1.5 घंटा हम इस आटे को रखेंगे रेस्ट होने के लिए, जिससे कि यह बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। इसके बाद हम लेंगे एक प्लेट में 2 चम्मच दही। दही में हम मिलाएंगे आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर मैंने नमक हल्का सा डाला है। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे पिज्ज़ा मिक्स, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। इन सभी चीज़ों को एक साथ हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे पनीर। तो पनीर को यहाँ पर छोटे छोटे क्यूब शेप में मैंने काट लिया है। पनीर को अच्छी तरीके से हम यहाँ पर मैरिनेट करेंगे। इस तरीके से पिज़्ज़ा में आप पनीर को मैरिनेट करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इधर हमारा आटा सेट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छे से ये फर्मेंट हो चुकी है। इसमें जाली बनना स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब आपका बहुत ही परफेक्ट आटा गुथा है और बहुत ही परफेक्ट आपका पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार होगा। अब इस आटे को हमें 1 से 2 सेकंड के लिए हमें हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेना है। अब हम इसे 2 भागों में आटे को बांट देंगे। 2 भागों में आटे को करने के बाद यहाँ पर हम एक आटे के पेड़े को ले लेंगे। इसके ऊपर डालेंगे सूखा आटा। डाल करके हमें यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। रोटी ना तो ज़्यादा आपको मोटी बेलनी है, ना ही ज़्यादा पतली बेलनी है। आपको यहाँ पर मीडियम साइज़ की आपको रोटी बेलकर तैयार कर लेनी है। अब इस रोटी के ऊपर हमें कांटे चम्मच की सहायता से हल्के हल्के से होल बना देने हैं, ताकि ये अच्छे से फूले नहीं और आपका पिज्ज़ा बेस परफेक्ट तैयार हो। अब इस रोटी को हमें ले लेना है और तवे के ऊपर रख करके कच्चा पक्का हमें सेक कर तैयार कर लेना है। मतलब आपको पूरी तरीके से इसे नहीं सेकना है, बस हल्का हल्का से इसे सेक कर हम इस तरीके से तैयार करेंगे। आप पहले जब इसे सेक लोगे तो आपका जो बेस है वो कच्चा नहीं रहेगा। इस तरीके से हम इसे सेक लेंगे। फिर उसी गर्म तवे पर हम हल्का सा तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद मैरिनेट किया हुआ पनीर डाल देंगे। पनीर को अच्छी तरीके से हमें चारों ओर से अलट पलट के अच्छे से सेक लेना है। इस तरीके से अगर आप पिज़्ज़ा में डालते हो तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो पनीर जैसे ही सिक जाएगा हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा आटे का पेड़ा बचा था, उस पर सूखा आटा लगा करके एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। जितना आपने पहली वाली रोटी बेली थी उससे आपको, तो आप इस तरीके से रोटी को रख करके चेक कर सकते हो। बड़ी सी रोटी बेलने के बाद इसके ऊपर भी हमने यहाँ पर छेद कर दिए हैं और इसके ऊपर हम लगाएंगे सेजवान सॉस और मेयोनीज। दोनों को मिक्स करके अच्छी तरीके से रोटी के चारों ओर फैला देंगे। फैलाने के बाद अब हम इस पर डालेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैंने अमूल का चीज़ लिया है, इसे अच्छी तरीके से ग्रेट करके डाल देंगे। और इसके ऊपर जो हमने कच्चा पका रोटी बनाया था उसे हम इसके ऊपर रख देंगे और जो नीचे वाली पिज्ज़ा बेस है उससे इसको हम अच्छी तरीके से पैक कर देंगे, इस तरीके से, जिससे कि हमारा जो नीचे का चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब इस पिज्ज़ा बेस के ऊपर हम लगाएंगे सेजवान और मेयोनीज। दोनों को मिक्स करके हम लगाएंगे, जिससे कि आपके पिज्ज़ा का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसे डालने के बाद हम इसके ऊपर ओरिगैनो डालेंगे।
ऑरिगेनो डालने के बाद आपको यहाँ पर चीज़ को अच्छी तरीके से ग्रेट करके चारों ओर फैला कर डालना है। अगर आपके पास क्यूब में कटा हुआ चीज़ है तो आप उसे भी डाल सकते हो या फिर आप चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हो। अब यहाँ पर हम कुछ सब्जियाँ डाल देंगे, जैसे कि शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। इन सभी को अच्छे से डालने के बाद अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपने पनीर को। पनीर डालने के बाद इसके ऊपर डालेंगे हम पिज्ज़ा मिक्स, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। उसके ऊपर से चिली फ्लेक्स डाल देंगे और सबसे लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे टोमेटो केचप। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर और चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हो। एक प्लेट पे हम अच्छी तरीके से बटर लगा करके इस पिज्ज़ा को इसके ऊपर हम रख देंगे। आज की पिज़्ज़ा हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप इस तरीके से लगा लेंगे बटर को, तो आपके जो पिज़्ज़ा बेस है नीचे से जलेगी नहीं। और नमक डाल करके कढ़ाई को 5 मिनट पहले ही से गर्म होने के लिए हमने रख दिया था। जैसे ये गर्म हो जाएगी पिज़्ज़ा को हम इसके ऊपर रख देंगे, ढक्कन लगा देंगे और थोड़ा सा आटा हमने बचा लिया था इसके होल को हम बंद कर देंगे, जिससे कि इसकी गैस बाहर नहीं आ पाएगी और आपकी जो पिज़्ज़ा है बहुत ही परफेक्ट पकेगी। तो 25 से 30 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि आपकी चीज़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और आपका जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पर हमारा होममेड पिज़्ज़ा बनकर तैयार है बहुत ही आसानी से। और तो यहाँ पर हमारा गेहूं और सूजी से बना हुआ हेल्दी इंस्टेंट पिज़्ज़ा घर पर बनकर तैयार है। आप इसे बच्चों को ज़रूर बना के ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।